जो दिखाई दे रहा है यह शेर शेर नहीं है, यह है चीता। देख रहे हो कितना खतरनाक है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ जूलॉजिकल पार्क, जो कि यह है सुप्रीम कोर्ट के पास में दिल्ली वाला जूलॉजिकल पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चिड़ियाघर है। और ये चिड़ियाघर में आपको चिड़ियाघर का व्यू दिखाऊंगा कि कैसा यार, मतलब यहाँ पे सब चीज अच्छा है। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि क्या है इसका व्यू, कौन कौन सा जानवर इसके अंदर है, सांप है कि नहीं है, ये सारा चीज़ हम इसके अंदर जाके देखेंगे। तो अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो। टिकट ऑनलाइन करने के बाद बैग जमा कर रहे हैं, फिर लाइन में खड़े हैं। अब हम जाएंगे अंदर की ओर। बारिश बहुत तेज हो रही है यार। अंदर तो आ गए, बारिश बहुत तेज हो रही है। अब इसका वेट कर रहे हैं कुछ टाइम तक, देखते हैं वेट करने के बाद क्या होता है। छूट जाएगी फिर अब अंदर जाएंगे। तो फाइनली बारिश छूट गई है, अब जा रहे हैं। देखो यार सब जा रहे हैं एकदम, मतलब कि बारिश में मजा तो नहीं आएगा, पर जब तक अभी स्लो स्लो बारिश हो रही है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो सामने देख रहे हो ये स्टार्टिंग का ही है, जस्ट यहाँ पे लिखा है वन वी, जो भी वन का जो पोस्टर है वहीं पे बनाया गया है। और इसके अंदर जो हंस वगैरह है, हंस के रहने का जगह है। और यहाँ पे हम लाइन लगे हैं क्योंकि यहाँ से टिकट काट के एक गाड़ी जाती है, यहाँ से गाड़ी पे चढ़ के पूरे जूलॉजिकल पार्क को हम घूमेंगे। सामने दिखाई दे रहा है टिकट काउंटर है, लाइन में लगा पड़ा हूँ। बस अब लाइन ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया। अब हम टिकट कटने के बाद अब हम जाएंगे डायरेक्ट गाड़ी में। तो फाइनली गाड़ी के अंदर अब हम आ गए। यहाँ पे हैंड बैंड मिला था, हाथ बांध लो, जैसे 70 रुपये का किराया था, हाथ में एक बैंड मिला था उसको बांध लोगे तब भी आप इस गाड़ी पे बैठ सकते हो। अंदर जा रहे हो कहीं पे भी आप देख के आ रहे हो, कोई भी गाड़ी में आप चढ़ सकते हो, बस अगर आपके हाथ में बैंड होना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं आगे जानवर को देखने। अब ये सारे पोस्टर पे नाम दिख रहा है, बूनर बंदर पारा हिरन सिक्का हिरन सब देखेंगे। देखो अब जा रहे हैं आगे की ओर, स्टार्टिंग में ही बंदर होगा, यहाँ पे पोस्टर लगा है। देखो शेरू, ये देखो ये है ब्लैक बंदर जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो मतलब एक एक दो दो है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेमेड्रस बैबून है, बैबून है। तो ये सामने इसी ग्राउंड में, मतलब सामने वहीं पे खेल रहा है वो, आप देख सकते हो वहाँ पे जस्ट खिड़की के पास में यही हेमेड्रस बैम्बूर है, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। इसका नाम पता नहीं है, नहीं था पोस्टर में मैंने दिखाने के बाद, तब मैंने आपको दिखाया। मतलब यहाँ पे यार बहुत मज़ा आता है, और साइड से लोग बहुत फोटो खींचते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की तो बात ही कुछ और है। देखो ऊपर चढ़ रहा है, देखो टायर के जस्ट ऊपर चढ़ा जंप करके, वही हेमेड्रस बैम्बूर है। और साइड में लोग सब चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं। अब चलते हैं अब हम दूसरे चीज़ देखने के लिए। ये सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है ये है हिरन का जगह, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर तो हिरन ही है, और ज़्यादा कुछ मतलब बहुत कुछ है, एक दो है बाकी हिरन है। मैं बेसिकली यहाँ पे लायन देखने के लिए हूँ, लायन शेर चीता जंगली चीता बेंगलुरु चीता सॉरी बंगाल टाइगर ये सब देखने आया हूँ। ये सामने दिखाई दे रहा है ये है हिरन, छोटा सा दिखाई दे रहा है, और ये पूरा हिरन का जगह है। देखो ये है हिरन छोटा वाला, बोल रहा था सुन ही नहीं। अब हमारी गाड़ी आ गई है, अब गाड़ी से हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हमें गाड़ी मिल जाती है क्योंकि हमारे पास बैंड है। मैं उस स्टॉप पे रुका हूँ जहाँ पे पक्षी पक्षी है केवल। ये सामने जो दिखाई दे रहे हो, जो मैंने कि दिखाया आपको स्टार्टिंग में, वो दिख रहे हैं सब दो दो चल रहे हैं नीचे की ओर। ये सफ़ेद मोर है, सफ़ेद मोर दिखाई दे रहा है जस्ट ऊपर की ओर, देखो सामने सामने ये वाला, ये सफ़ेद मोर है राइट। और ये देख सकते हो भारतीय मोर है, जो सफ़ेद मोर था अभी भारतीय मोर आपको दिखाऊंगा, सामने दिख रहा है ये, हाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ ये वाला देखो। और ये जो देख रहे हो ये है मैप, इसी मैप को देख देख के आप पूरे जूलॉजिकल पार्क को घूम सकते हो। भाई शेर बेर कहाँ यार, भाई शेर बेर कहाँ, शेर बताओगे आगे जहाँ शेर होगा वहाँ बता देना।
अब मैं आया हूँ मगरमच्छ वाले के पास। देखो ये है मगरमच्छ, यहाँ पे मतलब एक इतना बड़ा बना रखे है लेकिन वो अंदर छुपा हुआ, बस एक ही मगरमच्छ है यार। दो चार होना चाहिए यार देखने के लिए, क्योंकि ये है चिड़ियाघर, बट दिल्ली वाला चिड़ियाघर उतना अच्छा है नहीं। ये पक्षी जो दिखाई दे रही है ये बहुत ही प्यारे पक्षी है भाई, सबसे अच्छी मुझे तो यही लगा, सबसे अच्छा बहुत अच्छा यही लगा मुझे पक्षी। पक्षी का नाम है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये नाम है गणेश, गणेश नाम है इस पक्षी का, बहुत प्यारे पक्षी है। बहुत बड़ा सा इसका चोंच था, पंख था। अब गाड़ी से उतरने के बाद शेर के जगह पे मैं आया हूँ भाई। ये वीडियो को इसलिए मतलब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहीं वहीं का चीज़ सारा चीज़ दिखाया है, और बाकी पार्क वगैरह सब चीज़ दिखाया मैंने, क्योंकि यार बहुत बड़ा हो जाता, बहुत ही मतलब बड़ा 30-40 मिनट का ये वीडियो हो जाता। देखो सामने जो दिखाई दे रहा है ये शेर, शेर नहीं है ये है चीता, देख रहे हो कितना खतरनाक है यार। जो दुर्गा माता का चीता रहता ना वही है चीता, ये बंगाल टाइगर के पास भी जाऊंगा, वाइट टाइगर के पास भी जाऊंगा। देखो इस साइड से दिखाने के बाद कितना मज़ा आ रहा भाई, बहुत ही भीड़ लगी पड़ी है यार, सब चिल्ला रहे हैं। देखो वहाँ से चल के आएगा, देखो सामने दिखाई दे रहा है जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये चल रहा है, ये शेर भाई बहुत ही भयंकर है। खाना साले ऐसे देते हैं ऐसा लग रहा है कि मर गया है, खतरनाक होना चाहिए। खाना तो साले बहुत कम देते हैं, अभी खाना किसी ने फेंका है आगे की ओर। यार मुझे सबसे अच्छा लगा ये गाड़ी पे घूम के, क्योंकि मेरे पास बैंड था, 70 रुपये का टिकट था, कटवा के फिर हम चढ़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, उतना थकानी भी नहीं हुई और पूरा मैंने देख भी लिया। ये है एलिफेंट, एलिफेंट की जगह पे अभी मैं आया फाइनली। देखो मतलब दो ही हाथी है पूरे, इतने बड़े उसमें दो ही हाथी, हाथी के रहने के लिए भी जगह है, इंडियन एलिफेंट है। क्या प्यारा सा, मतलब बहुत लोग उसको देख रहे हैं, इसके सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, सब जहरी हैं, देहात में होते तब तो हाथी को देखते हैं, क्या पता इनको वो तो कैसा देख रही है। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ मुझे गाड़ी मिल जा रही थी वाली, देखो इधर लोग जा रहे हैं वो बंगाल टाइगर को देखने के लिए, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है शेर, इसको कहते हैं लायन, इंडियन लायन है ये। इसका यहाँ पे रहने के लिए जगह भी है, और उधर उसका पिंजरा भी बनाया गया है, उधर से कोई खाना फेंकता है उधर से खा के फिर इधर टहलता है पूरा ये बगीचे में। और यहाँ पे लोग तो भाई, संडे का दिन था यार, संडे में तो भीड़ होगा ही होगा। देखो देखो टहल रहा है कितना साला, कितना खतरनाक है भाई, एक बार में ही खा जाएगा, लेकिन बस एक लोगों को बना सकता अपने भूख का, अगर ऐसे ही खुलते ऐसे ही खोल के बाहर आ जाइए, बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ से ना राउंड घेर रखा है, राउंड बना दिया गया है, राउंड बनाने के बाद फिर यहाँ पे कोई आएगा नहीं, नीचे प्लस्तर वगैरह कर दिएगा। लोग देखो कितने सारे भीड़, देख लो कितना भीड़ है, ये संडे संडे का दिन है। टिकट कटाने की चीज़ कैसे टिकट कटा सकते हैं मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। तो अब हम जा रहे हैं मोर और वाइट लायन देखने के लिए, बंगाल टाइगर भी देखूँगा, वाइट लायन भी देखूँगा। देखो बंगाल टाइगर तो शायद बंद हो जाएगा शाम होने के बाद। भैया रोकना रोकना। अब भी फाइनली मेरे सामने देख रहे हो यहाँ पे है मोर, है इंडियन मोर है, इसे तो मैं डेली देखता हूँ यार, यहाँ पे तो बहुत, यहाँ पे भी है 10-15 थे, क्योंकि पूरा जंगल है ना तो ये कहीं पे भी उड़ के जा सकते हैं अपने जगह पे। देखो ये है सफ़ेद बाघ, अब यहाँ पे सफ़ेद बाघ देखेंगे, सामने जो दिखाई दे रहा है बैठा है, देखो अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, सामने जो बैठा है उस पर अपने पूंछ को हिला रहा है, थोड़ी सी हिल रहा है, साला ऊपर चढ़ के बैठ गया है भाई, वही है वाइट लायन। अगर आप यहाँ पे आते हो एंट्री करते हो तो मैप के थ्रू आप पैदल भी घूम सकते हो, टोटल चीज़ देख सकते हो। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है हंस, पता नहीं हंस है कि क्या है, शुतुरमुर्ग जैसे इसका सिर है, लंबे लंबे पैर है,
उसको शुतुरमुर्गी बोलते हैं शायद। और अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर, जहाँ पे सांप वगैरह दिखाई देंगे, कोबरा, बहुत डेंजर डेंजर सांप दिखाई देंगे। इसके अंदर जो बिलगोए वगैरह होंगे, मतलब सारा चीज़ सब जानवर होगा। चलो अब चलते हैं अंदर। और इसको देखने के लिए कितना भीड़ लगा है यार। यह है कोबरा, देखो भाई इसके मुंह कितने छोटे हैं, शरीर देखो, मुंह देखो छुपा रखा है इसके अंदर। ठट ठट यार, ये हिलता ही नहीं है, इतना भयंकर है भाई, लपेट लेगा तो मार डालेगा। ये भारतीय अजगर है, अजगर जिसको अजगर के नाम से जाना जाता है, जो धामिल अजगर होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, धामिल तो अलग है। और ये सेकंड वाले में क्या है, इसके रहने का जगह है। और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये कौन सा है, ये भी एक अजगर ही है, भारतीय अजगर ही है। तो ये छोटा वाला अजगर है, वो बड़ा वाला अजगर था, देखो उसके अंदर, बिल के अंदर छुपा हुआ है। जस्ट बिल के अंदर छुपा हुआ है। ये समान मुखी है, जो समान मुखी होती है ना, छोटी छोटी सी, ये जो समान मुखी सांप, मतलब कि पनिया सांप बोला जाता है उसको, देखो देखो इसके मुंह दिखाई दे रहा है, पानी में बैठा है वो सामने कोने पे, देखो कोने पे इसका दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखाया मैंने आपको। और ये डायमंड स्नेक, भाई डायमंड स्नेक कैसा है यार, डायमंड स्नेक इसके अंदर एक छेद के अंदर बैठा है, और वो सामने जो देख रहे हो गोल गोल थाली की तरह है। डायमंड स्नेक इसमें दिखाई नहीं दिया, शायद उसके ऊपर ही बैठा था। यहाँ पे भीड़ कितना लगा पड़ा है। और ये भारतीय अजगर, ये छोटा वाला भारतीय अजगर है जो सामने कोना में दिखाई दे रहा है, ये दोनों पेड़ के जस्ट बीच में, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। भारतीय अजगर भाई बहुत डेंजर, भाई तबीयत खराब है यार, तबीयत खराब है, उसमें बारिश में भीगते भीगते मैंने घूमा। और ये पता नहीं कौन सा सांप है, क्या चीज़ है उसके अंदर, सब मछली रखा है इसको खाने के लिए। गो मतलब कि बिलगोए, हमारे एरिया में इसको बिलगोए कहते हैं। देखो ये कोने में दिखाई दे रहा है, हरे पेड़ के पास में, पत्ती के पास। गो कैसे खड़ा है यार, बहन तो शीशा में सबको पैक कर दिया गया ताकि कोई बाहर ना निकले। पैक करने के बाद साइड से थोड़ी सांस लेने के लिए जगह छोड़ दिया गया, मतलब हवा जाते रहे, इन सांस कह रहा हूँ। भारतीय अजगर के नाम से ना, भारतीय अजगर बहुत है, आरी पे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, भारतीय अजगर है, भारतीय। और लास्ट दुमुहा सांप, भारतीय अजगर तो इसके बीच में ही है, अब ये है दुमुहा सांप, देखो कोने में बैठा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी पार्ट यार अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको सारा चीज बताया, सारा चीज एक्सप्लेन किया इस वीडियो के, इस जितने भी चिड़ियाघर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो आज संडे था तो खुला था यार, संडे को बहुत भीड़ होता है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना भीड़। और सबसे मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर टिकट काटने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो कट सकता है, और डेबिट कार्ड भी है तो कट सकता है, बट बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से ही टिकट कटता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। और जो उसका लोगो वगैरह है, जो भी चीज़ जैसे टिकट होगा मैं दिखा दूंगा। अगर पास में यहाँ पर आके टिकट काटते हो तो टिकट नहीं कट पाएगा, आउट ऑफ मतलब ये जो है चिड़ियाघर ही जाना पड़ेगा। तो अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।